हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में धरती पर सिर्फ एक ही देवता साक्षात उपस्थित हैं, और वो देवता हैं हनुमान जी, जो अपने भक्तों की हर विपदा हर संकट को दूर करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं, और विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिरों में उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। परंतु उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती, और रामलीला पर भी यहां पर प्रतिबंध है। यह भी मान्यता है कि एक बार जब यहां रामलीला हुई तो आपदा आ गई थी, तब से रामलीला पर भी प्रतिबंध है। यहां इस देव के रूप में पर्वत देवता को पूजा जाता है। चलिए जानते हैं कि ये कौन सा गाँव है और यहाँ हनुमान जी की पूजा पर प्रतिबंध क्यों लगा है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे साथ बोलें जय बजरंगबली। त्रेता युग में श्री राम की तरह ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी परम शक्तिशाली थे। उनसे भी जीत पाना लगभग असंभव था। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार माने जाते हैं, परंतु रावण से युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद के दिव्य शस्त्र से घायल हो गए थे और उन पर मृत्यु के बादल मंडराने लगे थे। इस समय मूर्छित पड़े अपने भाई को देखकर प्रभु श्री राम बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए रावण की लंका से वैद्य सुषेण जी को लेकर आते हैं। अपने वैद्य धर्म का पालन करते हुए वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी के इलाज के लिए देखा तो शक्ति बाण की काट के लिए लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी इस कार्य को करने का बेड़ा उठाते हैं। कहा जाता है कि जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे वो गांव देवभूमि उत्तराखंड में उपस्थित है। इस गांव का नाम द्रोणागिरी है। कहा जाता है कि पहाड़ तोड़कर ले जाने से यहां के लोग आज भी भगवान हनुमान से रुष्ट हैं, जिस कारण से यहां पर बजरंग बली की पूजा नहीं की जाती। लोगों की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी रोक है। देवभूमि के चमोली क्षेत्र में आने वाले द्रोणगिरी गांव के लोगों में यह मान्यता है कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी जिस पर्वत को उठाकर ले गए थे वह यहीं पर स्थित था। चमोली जिले में जोशी मठ से मलारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जुम्मा नाम की एक जगह पड़ती है। यहां से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। यहां धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई पड़ती है उसे पार करने के बाद ही द्रोणगिरी तक पहुंचा जाता है। संकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का यह पैदल रास्ता काफी कठिन लेकिन रोमांचक है। द्रोणागिरी गांव से ऊपर बागीनी, ऋषि पर्वत और नंदीकुंड जैसे कुछ चर्चित स्थलों पर यहाँ गर्मियों में काफी ट्रैकर्स पहुँचते हैं। तिब्बत सीमा क्षेत्र का यह सबसे दुरस्त गाँव है। ग्रामीण को इससे पहले सड़क तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। उनकी लगातार मांग थी कि यहां पर सड़क का विस्तार किया जाए। अब ग्रामीणों की मांग को देखते हुए शासन स्तर पर 2.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। माना जाता है कि लोग इस पर्वत की पूजा करते हैं। गाँव वालों की माने तो जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए तब पहाड़ देवता ध्यान मुद्रा में थे। हनुमान जी ने पहाड़ देवता की अनुमति भी नहीं ली और उनकी साधना पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया, इसलिए यहाँ के लोग हनुमान जी से बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को एक वृद्ध महिला ने इस पर्वत का वैसा दिखाया था जहाँ संजीवनी बूटी उगती है, परंतु हनुमान जी उस बूटी को पहचान नहीं पाए, जिस कारण से वे पर्वत को ही उठाकर ले गए। वहीं दूसरी ओर इस गाँव के लोगों में प्रभु श्री राम से कोई नाराजगी नहीं है, जिस कारण भगवान राम की पूजा यहाँ की जाती है, परंतु यहाँ पर लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं और द्रोणागिरी भी भोटिया जनजाति के लोगों का ही एक गांव है, और लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। सर्दियों में द्रोणागिरी इस कदर बर्फ में डूब जाता है कि यहाँ पर रह पाना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक सभी गांव वाले चमोली शहर के आसपास बसे अपने अन्य गांव में लौट जाते हैं। मई में जब बर्फ पिघल जाती है तभी गांव के लोग द्रोणागिरी वापस लौटते हैं। खास बात ये भी है कि सर्दियों में जब द्रोणागिरी के लोग गांव छोड़कर जाते हैं तो अपनी काफी फसल भी यहीं पर छोड़ जाते हैं। इन फसलों को सहेज कर रखने के तरीके भी अद्भुत हैं। मसलन आलू की जब अच्छी पैदावार होती है
तो गांव के लोग जाते वक्त इसे कई बोरियों में भरकर घर के पास ही एक गड्ढे में दफना देते हैं। यह गड्ढा इस तरह से बनाया जाता है कि चूहे भी इसमें घुस ना पाएं और आलू पूरे साल बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इसे गांव वालों का देसी कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। बर्फ की चादर के नीचे दबे ये आलू ना तो खराब होते हैं और ना ही इनमें अंकुर फूटते हैं। लिहाजा गर्मियों में जब गांव वाले लोग वापस लौटते हैं तो उनके पास खाने लायक कई बोरी आलू पहले से ही मौजूद होते हैं। इन्हीं आलू में से कुछ खेती के लिए निकाल लिए जाते हैं, लिहाजा अगली फसल के बीज भी यहाँ तैयार रहते हैं। तो ये था वो गांव जहाँ पर हनुमान जी की पूजा पर प्रतिबंध है। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।